अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। अम्मी भी पहले से माशाल्लाह ठीक हैं जी। और मायरा को आज सुबह सुबह पेंटिंग करने का शौक चढ़ा हुआ है। मायरा ने ये कलर फैलाए हुए हैं और मायरा हाथ में लिए हुई हैं वाटर कलर। और मायरा को चाहिए अब बर्ड्स। मायरा बर्ड्स से पेंट करेगी। मायरा ने अपने भाई को देखा है, उनकी एक्टिविटी होती है कि वाटर कलर को बर्ड्स से कुछ पेंट करना होता है, तो मायरा को वही सब चाहिए। ये सब लो, बर्ड्स भी ले लो भैया, पेंट करो तुम। ओके, थैंक यू तो बोल देती अम्मा को। अम्मा को एक बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स, घर पे बने थे मेरे आलू के चिप्स, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने थोड़े से ये आलू मंगा लिए हैं। तो आज बनाएंगे हम लोग आलू के चिप्स। पकड़ो मायरा तशला छुरी। तो यहाँ पर देखिए, अब मायरा बनाने देती हैं या नहीं। तो सबसे पहले आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके बाद अब इसको छीलेंगे और पानी में भिगोएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके कट करेंगे। और हमने कटर भी मंगा लिया है चिप्स बनाने का। ये रहा कटर, पहले आलूओं को छील लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आलूओं को छील लेना है, और आलू छील के पानी में डालते रहिए वरना आपके आलू काले हो जाएंगे। मायरा भी सीख रही हैं, मायरा भी चिप्स बनाएंगी आज। मायरा क्या कर रही हो तुम बताओ पहले। केला छील रही हो? केला। केला, तुम्हें ये केला दिख रहा है, ये आलू हैं। और उसके बाद इस तसले में मैं करूँगी कट। तो ये है मेरे पास कटर, कुछ इस तरीके से कटर है। इसका स्टैंड भी है, इस पर स्टैंड लगा के मैंने पानी में रख दिया है। और ये है इसका कैप, इसमें आलू लगाएंगे और इसको ऐसे घिसेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आलू मैंने इसमें फिट कर लिया है, और अब इसको यहाँ पर घिसना है। इसके चिप्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हम सारे आलू कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े से चिप्स बना रही हूँ। पहले तो मुझसे थोड़े छोटे छोटे कट रहे थे, फिर मैंने आलू को बेंडा कर दिया, तो अब थोड़े बड़े बड़े साइज़ के चिप्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतने आलू मैंने काट लिए हैं, इतने चिप्स मेरे कट गए हैं। तो ये पानी हो गया है गंदा, तो पानी को चेंज करेंगे। इस भगोने में मैंने साफ़ पानी भर लिया है, तो अब ये सारे आलू इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें फ्रेश पानी भर के ले जाएंगे और वहाँ पर और फिर चिप्स अपने कट करेंगे। ये देखिए, हमारा इतना वाइट पानी हो गया है, ये सब को फेंकेंगे। इसको करेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर पानी फेंक देंगे और यहाँ पे फिर से पानी डालेंगे। चलो मायरा पी चेटो थोड़ा। मायरा पानी। आलू थोड़े छोटे छोटे हैं, इसको बड़े बड़े आलू नहीं लाए आप। चिप्स बना रही उधर, और ये आ गया हमारे घर लंगूरी। इसका तो आना जाना लगा ही रहता, कई बार मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, ये बैठा हुआ है। और ये जो इनके पड़ोस वाली भाभी हैं, तो उनके छत के जो है पौधों में से कुछ कलियाँ वगैरह तोड़ के खा रहा है। हेलो, पता नहीं पालतू है क्या वो गया 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 गया, वो बैठ गया जाके। जब से ये आया तो छोटे वाले बंदरों ने बिल्कुल ही मोहल्ला छोड़ दिया, भाग गए यहाँ से। और उधर धुल रहे हैं हमारे कपड़े। तो चलिए चिप्स अपने कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ मायरा ने इतना परेशान कर दिया है, बस थोड़े से रह गए हैं, वो भी फटाफट काट लेते हैं। लंडूली, कौन आया लंडूली? बाल कैसे थे? अच्छा था, गए आ जाओ। हौले हौले ही जा रहा हमारा लंडूली। गया गया गया, वो बैठा जाके ऊपर। देखो मायरा, इसके गले में डोरी भी है, शायद किसी ने पाला है इसे। तो यहाँ हमारे सारे आलू कट गए हैं, कट के इतने ढेर सारे हो गए हैं, बट ये सूखने के बाद तो बहुत थोड़े से हो जाएंगे। तो इसको अब दो तीन पानी से अच्छे से और वॉश करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने पानी जो है बॉयल होने रख दिया है, इसमें 4-5 चम्मच नमक भी डाल दिया है। जब तक इसमें बॉयल आएगा तब तक हम ये अपने कटे हुए आलू अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 जितने भी आपको पानी लगे उतने पानी से आप इसको वॉश कर लिए।
जब तक ये वाइट कलर का ऐसा पानी आ रहा है, जब तक इसको आप वॉश करिए। ये पानी मैंने दो पानी और चेंज कर दिया, ये तीसरा पानी है। पानी देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो बस ये इतने आलू मेरे अच्छे से वॉश हो गए हैं। पहले इसको निकालेंगे इस पानी में और फिर बाकी के ये वाले आलू दूसरे बैच में कर लेंगे। हाँ, पलंग भी रेडी है और पलंग को धो लिया था हमने, पलंग को भी धो के खड़ा कर दिया है, सूख जाएगा। इसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर ये चिप्स डालेंगे। आज कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं तो आंगन पूरा भरा भरा सा है। तो चलिए पानी में आ गया बॉईल। अब सारे आलू इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, संभल के। कपड़े जी पहन ले स्लीपर। तो बस अब सारे आलू हमारे हो गए हैं जी। अब इसको कवर करेंगे, 5-7 मिनट के लिए ढक के बनाए इसको पकाना है। देखिए 10 मिनट लगे इसको बॉयल आने में। 10 मिनट में बॉयल ऐसे निकालो। भर के निकाल लो। तो चलो गुल्लानी इस पर फैला दो। तो वो वाले आलू हमारे आंगन में पहुंच गए हैं। हाँ, अभी बाकी के आलू जो बचे वो डालेंगे। बेटा पानी गर्म है, थोड़ा सा पीछे रहो तुम, पीछे रहोगे। सब ऐसे डाल लेंगे हैं। क्या अंकल ने क्या करा, पैसे ले लिए, फ्रूटी नहीं लाएगा जाना सारे आलू। तो बस अब इसको भी कर दो, 10 मिनट इसको भी लगेंगे बॉयल आने में। तो जब तक जो हमारे आंगन में आलू फैले हैं तो उनको अलग अलग करके फैलाना है। देखिए इस तरह से एक एक जो है आलू से फैला देंगे। देखिए दूसरा बॉईल भी आ गया है, छनी लो। लास्ट के आलू बचे तो मुल्लानी ने इतना टैलेंट दिखाया। गरम होंगे भी हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे चिप्स बनकर रेडी हो गए हैं और ये अलग अलग फैल भी गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरा पलंग भर गया इनसे। तो अब बारी है इसको कवर करने की। यहाँ पर हम एक हल्का सा कॉटन का दुपट्टा लेंगे और अपने चिप्स को कवर कर देंगे ताकि इस पर कोई धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। तो इससे इसको कवर कर दिया है। अब हमारे चिप्स बिल्कुल सेफ़ हैं, चिप्स बन गए, उनको कवर कर दिया। और अंदर बुला रही है मायरा मुझे, हीना हीना नाम लेकर बुला रही है। बताइए क्या बात है, टीटीपू नहीं आ रहा? अच्छा ऐड आ गए, ओते चल गया टीटीपू। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और मेरा कैमरा थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, इसको क्लीन कर लेती हूँ। शाम हो गई है तो अभी मैंने चिप्स के ऊपर से कपड़ा हटा दिया है क्योंकि धूप जा रही है। और ये देखिए चिप्स थोड़े थोड़े सूखे हैं, अभी ज़्यादा नहीं सूखे हैं क्योंकि मुझे लेट हो गया था इसको बनाने में। तो बस धूप जाने ही वाली है, जब तक धूप है तब तक इसको यहाँ रहने देते हैं, फिर इसको दहलान में शिफ्ट कर देंगे। फ़िलहाल जब तक इसको धूप में रहने देती हूँ। और मेरी बन गई है चाय, तो मैं जा रही हूँ जब तक चाय पीने। और ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी, इन्होंने चाय अपनी पी ली, मेरी चाहिए रही। अब टाइमिंग है शिफ्ट करने की पलंग को। उधर से आप चलिए, पहले ऊपर चढ़िए यहाँ से। बिचिल्ला। तो ये हमारे दलान में हो गए फिक्स। तो अब देखते हैं कब तक सूखते हैं। तो फ्रेंड्स आज नेक्स्ट डे हो गया है, चिप्स देखिए हमारे सूख गए हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी अभी धूप और लगाएंगे हम।
तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, सबको पसंद है। तो मैंने थोड़े से चिप्स बना लिए थे। आ जाओ अम्मा, आ जाओ, आ रही हूँ। तो बस यहीं करूँगी व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मायरा अल्लाह हाफिज़ करो, पहले अल्लाह हाफिज़ करो, बाय।